तो दोस्तों लच्छा पराठा है बिल्कुल तैयार। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रोमाना टेस्टी वर्ल्ड। आज हम बनाएंगे लच्छा पराठा। तो ये गेहूं के आटे से भी बनता है और मैदे से भी बनता है। आज हम बनाएंगे आटे से। तो यहाँ मैंने भर के एक कटोरी आटा ले लिया है। अब आटा में हम मिलाएंगे नमक आधा चम्मच। पहले इसको मिला लेंगे अच्छे से। अब इसमें हम पानी डालेंगे। पहले ज़्यादा पानी ना डालें इसमें। थोड़ा थोड़ा पानी का इस्तेमाल करें ताकि पहले ही बहुत ज़्यादा नरम ना हो जाए आटा। ये परफेक्ट आटे का जो डो है वो बन गया है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट बना है क्योंकि कहीं पे भी चिपका हुआ नहीं है। जब भी पराठे के लिए आप आटा गूंदें तो ख्याल में रखिएगा पूरा पानी एक साथ नहीं यूज़ करना है, आप धीरे धीरे पानी का यूज़ कर सकते हैं। अब इसे ऐसे ही हम ढक के छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। दस मिनट हो गए हैं, इसे और एक बार अच्छे से मसल लेंगे। मसल लिया है इसको, अब इसके लोई बनाएंगे। हम लोई थोड़ा बड़ा ही रखेंगे। चार बड़े साइज के लोई बना लिया है, अब इसे बॉल का शेप देंगे। अब इसे बेलना स्टार्ट करेंगे। पराठा बेलने के लिए हम यूज़ करेंगे आटा और घी का। घी पूरा मेल्टेड नहीं रहेगा, थोड़ा सॉलिड थोड़ा मेल्टेड रहेगा। पराठा बेलने के लिए पहले इस्तेमाल करेंगे थोड़ा आटा का। बिल्कुल जेंटली इसे ऐसे बेल लेंगे। और थोड़ा आटे का यूज़ करेंगे। इसे रोटी की तरह बेल लिया है लेकिन आप देख सकते हैं इसे हमने थोड़ा मोटा ही रखा है। अब इसमें हम घी को ब्रश करेंगे। अच्छी तरह से सब जगह मिला देंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा आटा मिलाएंगे। आटा मिलाने के बाद आटे को भी घी के साथ अच्छे से मिला देंगे। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके आटा आपको मिलाना है, पूरी जगह डाल के धीरे धीरे आटे को मिला लीजिए। अब इस पे हम प्लीट्स लगाएंगे बिल्कुल ऐसे, देख सकते हैं आप। हल्के हाथों से इसे प्लीट्स लगाना है। और बहुत ही जेंटली इसे ऐसे प्रेस करना है। ऐसे प्लीट्स लगाना है। आखिर में हम इसका प्लीट्स ऐसे लगा देंगे।
बहुत ही जेंटली आपको ऐसे प्रेस करना है। इसको रोल करेंगे ऐसे, बहुत ही जेंटली इसे रोल करना है। और ऊपर से इसको थोड़ा सा दबाएंगे ऐसे, ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल तैयार है। अब बहुत ही जेंटली हम इसे बेलकर पराठे का शेप देंगे। थोड़ा सा आटा का भी यूज़ किया है। बहुत ज़्यादा पतला करके नहीं बेलना है, मीडियम रहेगा इसका थिकनेस। अब इसे हम सेंक लेंगे। तवे को बिल्कुल गर्म कर लिया है, अब पराठा सेंक लेंगे इसमें। पराठे को बिल्कुल मीडियम फ्लेम में सेंकना है। दोनों साइड को सेंक लिया है हमने, आपको दिखाई दे रहा है, अभी से प्लेट्स दिख रहा है। अब इसमें हम घी को ब्रश करेंगे, आप चाहे तो तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। इस साइड में भी थोड़ा घी लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से प्लेट्स दिख रहा है। तो आप आटा से भी इतनी इजीली लच्छा पराठा बना सकते हैं। इसी तरह से हम बाकियों को भी सेंक लेंगे। आप देख सकते हैं कि गेहूं के आटे से कितने खूबसूरत तरीके से लच्छा पराठा बना है, वे प्लेट्स जो आप दिख ही रहा है। इसे आप कोई भी सब्जी या सालन के साथ खा सकते हैं। तो ज़रूर बनाइए लच्छा पराठा और मुझे बताइए कैसा रहा। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, देखते रहिए रुमानास टेस्टी वर्ल्ड।